अस्सलाम वालेकुम जी। तो शेख साहब, आप ये बताएं कि अचानक से आपको जो है वो कराची जाने का ख्याल, वो आपको कैसे आया? यार, अचानक से कराची जाने का ख्याल इसलिए आया है भाई जान, 5 साल हो चुके हैं मैं आया हूँ कराची से, गया नहीं, काफी टाइम हो गया था। मैंने बोला यार चलें इसी बहाने चलते हैं। काफी दिनों से मैं सोच रहा था यार चलूं चलूं, लेकिन मैं अकेला था। मैंने फिर आपसे रब्ता किया, मैं कहा यार रब्ता ऐसे नहीं करना, पहले मैंने टिकट ली है, फिर मैंने आपको बोला भैया मैंने टिकट ले ली, आप चलो। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि आप भी तैयार हो गए और प्रोग्राम बन गया और मजा आ रहा है, जा रहे हैं माशाल्लाह। तो ये सब चीजें हैं। नहीं तो आप कैसा फील कर रहे हैं? अब आप कराची जा रहे हैं 5 साल बाद अपने आबाई इलाके में, जहाँ पे आप अपना जो बचपन है वो गुजार के आए हैं, काफी काफी टाइम वहाँ पे आप गुजार के आए हैं, तो अब आप जा रहे हैं वहाँ पे दोबारा, तो आपकी फीलिंग जो है वो कैसी है? फीलिंग देखें, बात ये है कि फीलिंग ऐसी है कि सुकून मिल रहा है, एक सुकून सा मिल रहा है। और जाएंगे सीव्यू पे, जाएंगे दोस्तों को मिलेंगे, उठेंगे बैठेंगे, कुछ बिजनेस का सिलसिले में भी जा रहे हैं, कुछ बिजनेस है उसको देखेंगे, तो एक अच्छा फील कर रहे हैं। बाकी अल्लाह पाक आसानी करे तो आपको भी खूब इंजॉय कराएंगे और आप हमारे साथ इंशाल्लाह खुश रहेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपके, आपने अपने ख्याल का इजहार किया है हमारे साथ, आपका बहुत शुक्रिया। चले इंशाल्लाह कराची पहुंच के तो फिर आपसे इंशाल्लाह मुलाकात दोबारा होगी, तो तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।